नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहाँ SIT की रटार पर उत्तर प्रदेश के मदरसे, सभी 24,000 मदरसे SIT के रटार पर। मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है। विदेशी फंडिंग की जांच के लिए SIT गठित करी गई है। 16,000 मदरसे वर्तमान में पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश में 8,000 मदरसे अवैध बताए जा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर के मदरसों की भी जांच पर सहमति मिली है। बताया जा रहा है कि विदेशों से जो है इनमें से कई मदरसों में फंड आता है, पैसे आते हैं, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया जा गया। SIT गठित कर दी गई है जो कि पूरे मामले की जाँच कर रही है। कहीं से इनपुट मिला था पुलिस को और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जो है ऐसा कहा जा रहा था कि कई सारे इनमें से ऐसे मदरसे हैं जो कि हजारों की संख्या में, जिनमें विदेशों से फंड आता है। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां SIT की रडार पर और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर अवैध रूप से विदेशों से फंडिंग आती है। जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी और कई बड़े खुलासे भी इस दौरान SIT की टीम कर सकती है। मामला काफी ज्यादा गंभीर है, तो 24,000 से ज्यादा मदरसे SIT के रडार पर, इनमें से 16,000 से ज्यादा मदरसे जो है पंजीकृत है और विदेशी फंडिंग की बात जो है यहाँ पर कही जा रही है। विदेशों से लाखों करोड़ों में पैसा आता है इन मदरसों में। अभी बात सच या नहीं, इस पूरी जानकारी के लिए SIT की टीम को जो है गठित कर दिया गया है। SIT खुद अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मदरसे जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर उन्हें तालीम दी जाती है, और कई बार इन मदरसों की आड़ में कई सारे कुकर्म भी किए जाते हैं, आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है, और जिसकी फंडिंग जो है विदेशी लोग करते हैं। विदेश से यहाँ पर फंडिंग होती है, इसमें जो है दूसरे मदरसे भी बदनाम होते हैं जो कि सचमुच अच्छी शिक्षा और अच्छी तालीम देते हैं। और इसी के लिए इस पूरे मुद्दे को जो है अब SIT को सौंप दिया गया है, क्योंकि SIT की टीम ही अब इस पूरे मामले की जांच करेगी कि कितने ऐसे मदरसे हैं जहां पर ये दावे सच होते साबित होते हैं कि विदेशों से पैसा आता है। SIT की रडार पर उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसे हैं। लगभग तमाम सारे मदरसों में जांच होगी। SIT की टीम जो है अपने तरीके से जांच करेंगी, इनके रिकॉर्ड्स देखेंगी, जो बैलेंस शीट हम जिसे कहते हैं कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, क्या वाकई जो पैसा आ रहा है बच्चों के हित में इस्तेमाल हो रहा है, और अगर कहीं बाहर से पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इस बात की जानकारी जो है SIT की टीम लेगी। ज़्यादा जानकारी लेंगे, अनूप चौधरी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनूप, 24,000 से भी ज्यादा मदरसों पर अब SIT की रडार गिरने वाली है। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2017 के बाद से, तब से यूपी के जो मदरसे हैं सरकार के निशाने पे थे। अब चूंकि चुनाव है करीब है, 2024 का चुनाव करीब है, ऐसे में फिर से एक बार मदरसों की जांच का फैसला हुआ है और इसमें SIT मामले की जांच करेगी। 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश योगी वन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब से ही मदरसों की जांच हुई थी। मदरसों की जांच के नाम पर जो मदरसे के अधिकारी थे या जो मदरसे में जो शिक्षा जो देते थे, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जांच के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मदरसों की जांच जारी रही। मदरसों की जो यहाँ पर मदरसों के नाम पर जो फर्जी कागजों पे तो मदरसे चल रहे थे, लेकिन वास्तविकता में वो मदरसे कहीं उनका नामो निशान नहीं था, यानी हकीकत के तौर पे वो मदरसे नहीं थे, लेकिन जो अनुदान था, सरकारी अनुदान था, तो उसको ले रहे थे, जिसको लेकर जांच हुई। तो तमाम हजारों की संख्या में ऐसे मदरसे बंद हुए जो सरकारी अनुदान तो ले रहे थे, लेकिन पढ़ाई के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था, यानी वो कागजों पर ही चल रहे थे। इसको लेकर जांच हुई थी और जांच में तमाम हजारों की संख्या में फर्जी जो मदरसे थे वो बंद हो गए। अब एक बार फिर से मदरसों की जांच की बात SIT के द्वारा हो रही है, क्योंकि विदेशी फंडिंग की बात कही जा रही है कि जो मदरसे हैं यूपी के, उनकी संख्या हजारों की संख्या में, उसमें विदेशी फंडिंग आ रही है। अब ये जरूरी नहीं कि ये विदेशी फंडिंग आतंकवाद से जुड़ी है या धन शोधन से जुड़ी है,
या फिर और भी गैर कानूनी तरीके से गैर जो देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी है, अब उसकी जांच होगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि विदेशी फंडिंग हो सकता है, कहीं कोई उसको अनुदान दे रहा हो, कोई दान दे रहा हो, इस पूरे मामले की जांच होगी। ये नहीं कि एक देश विरोधी गतिविधियों में ही फंडिंग हो रही। हालांकि जो SIT की टीम है वो इस मामले को लेकर भी जांच करेगी, और खासतौर से जो उत्तर प्रदेश की मदरसे हैं वहां पर यूपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसने रखा है, मदरसों की शिक्षा को आधुनिकीकरण कर रही है। वहां पर यूपी सरकार का एजेंडा है कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, यानी इस मुद्दे के तहत यूपी सरकार जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा को आधुनिकीकरण कर रही है, टेक्नोलॉजी से उसको लैस कर रही है, और डिजिटल भी उसका हो रहा है। इसको लेकर तमाम तरह से यूपी सरकार प्रयास कर रही है कि जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का आधुनिकीकरण हो, उसको अच्छी तालीम मिले। इसको लेकर अब एक बार फिर SIT जांच की जा रही, क्योंकि ऐसे जो तमाम मदरसे हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, और जो जिनकी विदेशी फंडिंग हो रही या देश विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग हो रही उन मदरसों पे नकेल कसी जाएगी, तो उन लोगों के लिए हालांकि राहत वाली खबर है कि जो सरकारी नियमों के मुताबिक चल रहे हैं, किसी भी तरह की गतिविधियों में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, उनके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी मदरसे या मदरसों के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों में वहां पर उनको संचालित किया जा रहा, उनके लिए यूपी सरकार शुरुआत से ही कहती रही है, 2017 के बाद से ही कहती रही कि उन मदरसों की खैर नहीं, और इसी के तहत अब SIT जांच होगी जिसमें विदेशी फंडिंग हो रही उसकी जांच की जाएगी। बिल्कुल अनुप, और बहुत ज्यादा जरूरी भी है जिससे कि जो है क्लियर हो सके, वरना इस प्रकार की चीजें जो है आगे भी बढ़ सकती है। अब देखना खास होगा कि कितना क्या कुछ खुलासे होते हैं, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये पैसा किस लिए आ रहा है, क्योंकि आ भी रहा है, ये भी जानकारी का विषय होगा, ये भी देखना खास होगा। अनुप बने रही हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी लखनऊ से, जहाँ पर अवैध मदरसों की जांच हो रही है।